हिमाचल एक्सप्रेस की खास मुलाकात में आज हमारे साथ बने हुए हैं एसआर हरबिन जी, हिमाचल प्रदेश के पालमपुर के ये उभरते हुए कलाकार हैं जिन्होंने गाने के क्षेत्र में बहुत ऊंचा नाम कमाया है। हरबिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, सबसे पहले हिमाचल एक्सप्रेस के सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा आप सभी का जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आज आप सभी के रूबरू हिमाचल एक्सप्रेस वालों ने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी नमस्कार जी। हाल ही में इन्होंने बचाओ बेटी पढ़ाओ का गाना संदेश के रूप में हमें सुनाया है और सभी दर्शकों ने इसे सुना है और बहुत इसे सुन के भावुक हुए हैं। हरबिन जी से जानते हैं कि ये गाना उन्होंने कैसे ख्याल में आया और कैसे इन्होंने गाया। हरबिन जी बताइए। जी, मैंने ये गाना एक सोच के द्वारा किया था कि मेरी 7-8 साल पहले मैंने कुछ सोच के ये गाना किया। मैंने बेटियों पर सोचा था कि कुछ, क्योंकि बेटियों से ज़्यादा लगाव है मेरे, जितने भी मेरे संगी साथी हैं या मेरे घर में जो भी बेटियां हैं उनसे मैं ज़्यादा प्यार रखता था, तो मैंने ये सोचकर मैंने ये गाना लिखा। लेकिन हालात कुछ ठीक नहीं थे घर के, इसलिए मैंने इस गाने को तब निकाल नहीं पाया, मतलब रिकॉर्ड नहीं कर पर पाया। लेकिन एक अमित्या एंटरटेनमेंट कंपनी ने, जिसने मुझे इस गाने को सपोर्ट किया और मुझे सपोर्ट किया स्पेशली, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और इस गाने को मैंने पिछले दो साल पहले इस गाने को मैंने निकाला और बहुत ज़्यादा प्यार मिला इस गाने में। और अभी ये गाना चल रहा है, हिमाचल एक्सप्रेस वालों ने भी इस गाने को बहुत प्यार सराहा है। जहाँ जहाँ मैंने ये गाना दिखाया है वहाँ अच्छा मुझे रिस्पांस मिला है। हमारे दर्शकों को ये गाना कुछ गुनगुना के सुनाएंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि ये गाना मेरा ज़्यादा फेवरेट है, इसलिए मैं दो लाइनें ज़रूर सुनाऊँगा। मैनू ना मारो मेरे बापू, मैनू ना मारो मेरी माए, आण दे मैनू इस दुनिया विच, आण दे मैनू इस दुनिया विच, क्यों मैनू तड़फाए। मैनू ना मारो मेरे बापू, मैनू ना मारो मेरी माए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने इस सिंगिंग की शुरुआत कैसे करी, ये हिमाचल एक्सप्रेस के दर्शकों को बताएं। जी, सिंगिंग की शुरुआत मैंने बचपन से की है जी, बचपन से गाता आया हूँ। जब 5वीं क्लास में था मैं, तो मैंने पहला रेडियो स्टेशन में मैंने गाना गाया था। उसके बाद धीरे धीरे गाने का शौक बचपन से ही था और मेरे माँ बाप ने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। घर की स्थिति मैंने पहले कहा कि अच्छी नहीं थी, तो जैसे तैसे मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। मैंने स्टडी अपनी एमए एमफिल मैंने दिल्ली से की है और मेरे गुरुजी जो कि जयपुर घराने से हैं, उन्होंने मुझे संगीत की शिक्षा दी। और वहाँ से फिर मैंने वहाँ भोजपुरी एल्बम में भी मैं गा चुका हूँ, फिल्म में गा चुका हूँ, तो ऐसे ऐसे करके थोड़ा पढ़ाई भी मैंने कम्प्लीट की वहाँ से। हाँ जी। और आपका अगला गाना कौन सा रिलीज़ होने वाला है? मेरा अगला गाना रिलीज़ होने वाला है एक जिन सॉन्ग है, जो कि बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग है, जो कि आप सभी के बीच में ज़रूर जल्दी ही आएगा। थोड़ा सा ये गाना हमें सुनाएंगे? बिल्कुल जी, तो ये दो लाइनें ज़रूर आप सभी। तेरा गली साड़ी विच्चों नित लंघना, ओ जिंद सूली टंगी जांदी ए, चित करे तैनू हाल कहां दिल दा, ओ जिंद सूली टंगी जांदी ए। तेरा गली साड़ी विच्चों नित लंघना, ओ जिंद सूली टंगी जांदी ए, चित करे तैनू हाल कहां दिल दा, ओ जिंद सूली टंगी जांदी ए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी सुरीली आवाज है। हरबिन जी, आपका जो पहला गाना है, तो आपने वो गाना कौन सा गाया था और आपको कैसा लगा था स्टेज पे आके? जी, स्टेज पे वैसे तो पहला गाना मैंने 3rd class में था, तब स्कूल में तब गाया था, लेकिन स्टेज पर जब मैं 10th में था उस टाइम मैंने गाया था। और एक गाना उस टाइम गाया था मैंने, आप सबको दो लाइनें ज़रूर सुनाता हूँ उस गाने की भी। ए पहाड़ा दा बसना ए,
तेरा मिठा मिठा हसना ए पहाड़ा दा बसना ए तेरा मिठा मिठा हसना ए जी। बहुत अच्छा, थैंक यू जी। हरमिन जी, आपको सब लोग ऐसे गाते हुए देखते हैं और बहुत प्यार करते हैं, तो आपको कैसा लगता है? जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बल्कि मुझे इतनी खुशी होती है और इतना ज़्यादा प्यार देते हैं लोग, बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ मैं। और मुझे तब याद आता है कि किस तरह से मेरे माँ बाप ने हमें पाला है, हमें मुझे इस लायक बनाया है। तो स्पेशली आज मैं जो कुछ भी बना हूँ वो मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मेरी माँ ने, मेरे बाप ने जिस तरह से मेहनत की है, तो मैं उस चीज़ का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगा। हिमाचल एक्सप्रेस के दर्शकों को आप कुछ संदेश देना चाहते हैं? जी, संदेश तो मैं हिमाचल एक्सप्रेस के दर्शकों को यही बोलना चाहूँगा कि जिस तरह से मुझे हिमाचल एक्सप्रेस वालों ने सपोर्ट किया है, आप सभी के बीच में रूबरू किया है, मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और साथ में मेहनत करते रहिए, एक दिन मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा, हार नहीं माननी है ज़िंदगी में कभी भी। और इसी शब्दों के साथ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये थे SR हरबिन जी, जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत कैसे करी हमने जाना। इसी तरह इस एक और शख्सियत से मिलवाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।